ऊपर ऐसे करके ड्राइंग लाइन आपको देखने को मिल जाता है, लाइट एंड शेड या इस तरह कुछ, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये सब चीज़ मतलब समझना चाहिए, समझने वाला बात है। बस एक गालों की पार्ट तो हो गया, और उसके साथ साथ क्या होता है कि ऊपर की जो मसल है, ऊपर की एक मसल पार्ट है, यहीं पे दोनों तरफ डिवाइडेड हो रहा है, इस साइड की और इस साइड की, ठीक है, इस साइड की और इस साइड की। तो ये तो हो गया, और यहीं पे दो तीन मसल टाइप है जो कि आपको हल्का सा यहीं पे नज़र में आ रहा है शायद, लेकिन उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं से आपको तीनों मसल टाइप है जो कि मिडिल पार्ट पे एक है और इस साइड पे है। जैसे कि मैं समझा देता हूँ कि इस साइड यहीं पे है और इस साइड पे और इस साइड पे है, ठीक है। और यहीं पे जो बता रहा था कि इस साइड पे एक मसल ट्यूब है ऐसा, और इस साइड पे एक मसल ट्यूब है ऐसा, ठीक है। और ए ऐसे करके आ रहा है इस साइड से और इस साइड से। काफ़ी टाइम लगता है ना कि पोर्ट्रेट की इस पार्ट को, मतलब आप अलग पार्ट से देख रहे हो तो उस साइड पे क्या ऐसा देखने को मिल जाता है। क्यों कभी आपका दिल, मतलब खुद का कोई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया है क्या? ये आपको समझना होगा। कभी कभी लगता है क्यों यहीं पे, क्यों इतना लाइन कार्व क्यों हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि यहीं पे एक मसल ट्यूब है, इसीलिए। तो ऐसा होता है। और ये जो मसल पार्ट है, सोचो इस साइड से ऐसे करके आ रहा है, और मसल ट्यूब यहीं से आपको ऐसे आप फिलअप कीजिए, ऐसा उल्टी तरफ ऐसा आएगा, तो यहीं पे आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। और नाकों के अंदर बहुत सारी ऐसे मसल्स है जो मैं हल्के से यहीं पे समझा देता हूँ, यहीं पे डिटेल पे इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि मतलब इसीलिए मैं हर टाइम कहता रहता कि मसल्स के अंदर की पार्ट आप फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर ज़्यादातर देखने की कोशिश करें, और खुद की एक्सपेरिमेंट करें। कोई भी आप कोई भी पार्ट आप देख रहे हो तो वहीं पे अच्छे से देखो, और कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं आप समझने की कोशिश करो। देखो यहीं पे दो मसल्स ऐसे करके खड़ा है जो कि इसके अंदर है, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ये मिडिल पार्ट पे एक लाइनिंग देखने को मिल जाता है, और जो लोग की मुंह के अंदर, मतलब पोर्ट्रेट के अंदर फैटी टाइप की है, तो ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मिडिल पार्ट का, ठीक है। और यहीं से स्काल ख़त्म हो रहा है, मतलब यहीं से आपकी स्काल की जो पार्ट है यहीं से ख़त्म हो रहा है, और यहीं से कुछ हल्का सा एक मसल पार्ट जो कि इसके ऊपर लेकर के यहीं से ऐसे करके खड़ा करके रखा है, और उसके ऊपर ऐसे कुछ पार्ट ऐसे मतलब डिज़ाइन किया है इसके अंदर, ठीक है। और क्या है, इस साइड से हल्का सा पतला सा जो ऊपर उभर लेयर जो है ऐसा आ रहा है, और इस साइड से अब मिडिल पार्ट पे ये भी ऐसे जॉइंट किया दिया। समझ रहे हो ना कि ये जो पार्ट है इसके अंदर, ये जो पार्ट है, और यहीं से ऐसे जा रहा है, और यहीं से ये कनेक्ट हो रहा है बस ऐसे, और यहीं से तो स्काल की पार्ट है, यहीं पे कोई भी मसल्स या फैट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद कोई भी स्काल को, या मतलब इंटरनेट से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि यहीं से कोई भी मसल्स पार्ट नहीं है स्काल के अंदर। आप देख पाओगे कि ये पूरी की पूरी मसल पार्ट ही रहते हैं, कोई भी एक चीज़ स्काल की पार्ट नहीं है, यहीं से काट होकर के यहीं से आँखों तक, ठीक है, पूरी की पूरी स्काल की पार्ट है, ऐसे रहता है। तो बात यह है, बस अभी ये ड्रॉ करने की पार्ट है कि चलो ये भी देख लेते हैं। और आँखों की ऊपर जो बता रहा था कि यहीं पे एक मसल टिप ऐसे रहने के लिए मतलब रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, मैं कोई भी पोर्ट्रेट के ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी पोर्ट्रेट के ऊपर इसीलिए कोई भी पोर्ट्रेट के ऊपर आप देख पाओगे कि लाइट जब पड़ता है ना,
उस टाइम देख सकते हैं कि यहीं पे एक हाईलाइट देखने को मिल जाता है, देखो इसीलिए, ठीक है, क्यों जो कि ये मसल ट्यूब के लिए ऐसे होता है, जो नाकों के अंदर जैसे बताया था कि देख सकते हैं कि दोनों मसल्स यहीं पे है, ये पे ज़्यादातर मतलब देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का नज़र में आ रहा है कि ये जो पार्ट है, जैसे मैं बता रहा था कि ये दो मसल्स लेकर के जैसे ये सेप बन रहा है, यहीं पे भी देखो ये सेप देखने के बाद पता चल रहा है कि हाँ यहीं पे दोनों मसल्स तो है, ऐसा लग रहा है ना। और ये जो पार्ट है ना, और एक चीज़ में बताना भूल गया था, वो फोटो देखने के बाद मुझे मालूम आ रहा है कि ये चीज़ ऐसा है कि ये जो दोनों लाइन आ रहा है ना, कि इसके अंदर भी ये मिडिल पार्ट ऐसे करके आता है, आप यहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो बात है तो सबको समझ में आ रहा है शायद, तो सबको समझ में आ रहा है शायद, किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा बात है। सुधीर सरकर, रौनक पाल, अब सबको किसी को पूछना है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। और तो ये पार्ट में समझा दिया कि इसीलिए यहीं पे हाईलाइट पड़ते हैं, ऊपर की पार्ट आपको समझना चाहिए। तो चलो अभी जो करना है कि आंखों की पार्ट, ये सबको पता है, समझाने की जरूरत इसके अंदर ऐसा नहीं है। एक बार समझ जाओगे ना, कोई भी पोर्ट्रेट आप बना रहे हो तो उस टाइम काफ़ी इजी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, मतलब टेस्टफुल लगेगा कोई भी पोर्ट्रेट। स्मृति, हेलो स्मृति, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। बस देखते जा रहे हैं। ओके ओके ठीक है। सुधीर, आपको कोई पूछना है, कोई मतलब सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सुधीर, रौनक पाल, दीदी दीदी किछु बोलते चाहिए बोलते पारो आमाय। हेलो अंतरा दी, दीदी बोधाय आर नहीं नाकि बेरिये गेछे। तो जाइ होक, रौनक पाल किछु बुझते पारछो कि ए जिनिसगुलो खूब इम्पोर्टेंट आछे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब पार्ट, बस आपको समझना होगा। रेफरेंस गुलो की पाठी देवन ग्रुपे रेफरेंस गुलो आमी पाठी देते पारी, ठीक है। प्रैक्टिस एगुलो देखे कुत्ता है ना, एगुलो दिमाग के मध्य आट के रखता है, बस एटी कुत्ता है। प्रैक्टिस टा जब तुमी कोर्चो मने कोनो भी फोटोग्राफ्स या कोई भी ड्राइंग कर रहे हो ड्राइंग, तो उस टाइम आपको समझना होगा, कोई भी मॉडल को देख करके आप बना रहे हैं या कोई भी फोटोग्राफ से आप बना रहे हैं, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं बना रहा हूँ तो उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन सा मसल्स है, कौन सा ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, कौन सा जगह के ऊपर ऐसा रहना चाहिए कि नहीं, मतलब आप खुद की मतलब पता रहना चाहिए, ठीक है ना। प्रियंका कुछ आप कोई भी पूछना चाहिए, कुछ पूछ सकते हैं मुझे। नहीं सकते। तो अंदर की जो पार्ट क्लियर है ना, क्या क्या है इसके अंदर, ये सब क्लियर हो गया। मैं नाकों की पार्ट ज्यादातर डिफिकल्ट है तो इसीलिए मैं अलग करके मैं समझा दिया,
और अभी देखते हैं कि इसको फाइनली में ड्रॉ करके निकलना कैसे चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ ड्राइंग का लाइन प्रेशर रहेगा, कहाँ कहाँ नहीं रहेगा, ये हम दिखा देते हैं। चलो यहीं पे क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसे मसल्स, मतलब इस टाइप का कुछ पोर्ट्रेट बनाने के टाइम अंदर की मसल, जो मसल पार्ट आपके पूरी की पूरी समझ जाओगे ना, मतलब कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी कुछ भी बना रहे हो तो, और वैल्यू स्टडी अच्छी तरह, मतलब अच्छे से आपके आते हैं और आपकी मसल सेंस भी है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप कोई भी पोर्ट्रेट्स आप आसानी से मतलब स्टडी कर सकते हैं। देखो पोर्ट्रेट मिलाने, मतलब जैसे होता है ना कि कमीशन वर्क की बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आप आसानी से पोर्ट्रेट मिला सकते हैं, वो चीज़ अलग है, और एनाटॉमी मसल्स लेकर के खेलना यह कोई बच्चों का काम नहीं है। बस आपको समझना होगा पहला कि कहाँ कौन सा पार्ट है, जैसे कि डॉक्टर को पता है कहाँ कौन सा मसल्स है, वैसा एक आर्टिस्ट को भी पता चलना चाहिए कि कहाँ कौन सा मसल्स है। कौन सा मसल्स जानने की इतना ज़रूरत नहीं है ठीक है, लेकिन आपको कौन सा मसल्स किस तरफ है, कहाँ कहाँ, ये आपको जानना होगा, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, क्योंकि ड्राइंग आपकी गलतियाँ भी निकल सकते हैं। कोई भी ऐसा किसी को पता है और आपका ड्रॉ देख रहा है ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि आपका ड्राइंग के अंदर क्या क्या फॉल्ट है और क्यों ऐसा क्यों हुआ, और कितने आपने स्टडी किया है, कहाँ कहाँ आपकी फॉल्ट है, पूरी की पूरी नज़र में आ जाएगा, वो उन्होंने क्लियर हो जाएगा पूरी की पूरी ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सब अच्छे तरीके से आप समझ जाओ और अच्छे से सब ड्रॉ करो, बस फटाफट से हो जाएगा ठीक है ना। और इसीलिए क्या होता है कि यहीं पे बहुत सारी हाइलाइट्स ना ऐसे नाकों के अंदर ऐसे पड़ता है, ऐसे करके आता है कुछ टाइम, जो लोगों के अंदर मतलब पूरी की पूरी राउंड है इसके अंदर कोई भी ये नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि यहीं पे पूरी की पूरी एक राउंड शेप का हाइलाइट आता है ठीक है। तो ये तो मतलब बेसिक जो पार्ट है ये तो हो गया, मैं बाद में और एक क्लास पे मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसा क्लासेस होगा जो कि एनाटॉमी और फिगरेटिव पार्ट लेकर के, जैसे हाथ पार्ट तो आज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, और जैसे कि आँखों के अंदर बहुत सारे ऐसे मसल्स पार्ट हैं जो समझना चाहिए सबको, नाकों के अंदर जैसे मैं डिटेल में बताया, आँखों के अंदर, ठोंठों के अंदर, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो कि और भी समझना चाहिए सबको, तो उसके बाद और भी इजी हो जाएगा। चलो देखो यहीं से क्या होता है कि देखो इस जगह के ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि इस टाइप इस जगह पे हाईलाइट हो जाता है और इस साइड से डाउन हो जाता है, तो इसीलिए होता है, समझ रहे हो ना। एक तो स्कॉल की अपर पार्ट यहीं है और उसके साथ साथ यहीं पे मसल ट्यूब भी ऐसे कनेक्ट हुआ, तो इसीलिए इस तरह यहीं पे देखने को मिल जाता है। यहीं से बताया था कि यहीं से भी और एक मसल पार्ट है,
सकता है इस साइड पे उतना ज़्यादा निगाह नहीं जाएगा, क्योंकि इस साइड पे सेड है, एक तो सेड है और इस साइड से मैं लाइट डालने की कोशिश कर रही थी इस साइड से, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि कहाँ कहाँ लाइट देखने को मिलेगा आप सबको पता चल रहा है। और यहीं पे क्या होगा कि अराउंड की तरफ ऐसे कुछ मसल्स देखने को मिल जाते हैं कि जो कि काफ़ी टाइम ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस साइड पे जो मसल जो बता रहा था ऐसे इस साइड पे भी मसल है देख सकते हैं, और इस जगह भी डाउन होता है ऐसा, जहाँ मसल कनेक्टिंग पार्ट है वहीं पे डाउन होता है, ठीक है। और क्या है ना कि यहीं पे बहुत सारे ऐसे मसल्स है जो कि आप हिसाब से कितना लाइट एंड शेड या कितना एजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऐसा बात है। ओके, ए हो गया। और उसके ऊपर क्या है ना कि सोचो कि इसका बाल है, ठीक है, तो यहीं पे सोचो ये पूरी की पूरी मतलब अंदर की जो बात था ये ख़त्म हो गया। अभी जो करना होगा यहीं से सोचो कि इसका बाल है सर पे, तो मैं चलो लगा देते हैं, देखते हैं कैसे लगते हैं। দাদা এরকমই অনেক সুন্দর লাগছে চুলটা, এবার দেখো না আস্তে আস্তে আমরা টাকের মানে তেল বা শ্যাম্পুর হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছি আর কি, আস্তে আস্তে চুলগুলো বেরোচ্ছে ज़्यादातर एजेस के ऊपर होता है कि यहीं का जो पार्ट है मतलब बालों की जो स्पेस है यहीं से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एज है इनका, वहीं पे भी पता चलता है। और एक होता है कि इसका जो मसल पार्ट है मतलब स्किन को देखने में भी पता चलता है। ये समझाना था कि आप बेसिक जो पार्ट है वो अच्छे से आप समझ जाओ, उसके बाद किसी भी तरह आप कोई भी पोर्ट्रेट को आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मेरा बात था। तो ये सबको क्लियर हो गया शायद, मुझे पता लग रहा है कि ये जो पार्ट मैं दिखा दिया कि सबको क्लियर हो गया कि ये पार्ट कैसा कैसा कहाँ कैसा ड्रॉ करना चाहिए। और एक बात है तो आपका एनाटॉमी समझने के लिए ये सब मैं हर तरह डिटेल करके मैं किया, ऐसा नहीं कि आप हर पोर्ट्रेट के अंदर इस तरह से मतलब कोई भी एक स्वीट सा क्यूट सा एक पोर्ट्रेट बना रहे हो और वहीं पे आपको मसल दिखाना ही दिखाना है, तो वो काफ़ी बुरा भी लग सकता है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कौन सा मतलब किस कैसा पोर्ट्रेट है और वो पोर्ट्रेट के ऊपर मतलब कितना दिखाना चाहिए आपको पहले समझना होगा, उसके बाद उसी की अकॉर्डिंग से आप बनाओ।
तो क्लियर हो जाएगा। तो ए तो हो गया, और अभी जो मतलब ए पहले जो बताया था कि पोर्ट्रेट के पास से क्या होता है कि यहीं से आपकी ए मसल ट्यूब, कांधों की ये मसल ट्यूब देखने को मिल जाते हैं, वो होते हैं ऐसे इस तरीके का कुछ पार्ट, और यहीं से क्या होता है ए पार्ट और मिडिल पार्ट पे इस तरीके से कुछ बहुत सारे लोगों की दिखा जाता है, और इस साइड से ऐसा, और इस साइड से यहीं से क्या होता है कि ये जो शोल्डर की पार्ट है अभी क्लियर है कि नहीं, मतलब पहले जो बताया था और अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ सब क्लियर है कि नहीं ये मुझे बता सकते हैं। तो पोर्ट्रेट के साथ साथ मैं क्या किया कि ये जो शोल्डर और बैक शोल्डर की जो पार्ट था पूरी की पूरी क्लियर हो गया सबका, और अभी मैं दिखाऊंगा कि हाथों के अंदर क्या 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 फंडा रहते हैं, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो ये मुझे सवाल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं मुझे ये पार्ट लेकर के। तो अभी जो पार्ट लेकर के मैं बातचीत कर रहा हूँ वो है कि हाथ, ठीक है। हैंड को लेकर के बहुत सारे लोगों की डाउट है, बहुत सारे सवाल है कि कैसे इजीली कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, एक सवाल आ जाते हैं सबके अंदर मन में। तो ये देख सकते हैं कि नॉर्मल सा ये जो हाथ आपको देखने को मिल रहा है यहीं पे, देख सकते हैं यहीं पे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या है मैं डिटेल में बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करिए। ये जो उंगलियां है देखने में कितना ब्यूटी और मतलब इजी लग रहा है ना, कि यहीं से एक लाइन और ये दो लाइन है यही तो बस, और क्या, और सब कलर पे हम कर लूंगा इसका ड्राइंग इतना गहरे से समझने की क्या जरूरत है, क्या आप मतलब क्यों ऐसा जरूरत की किस लिए। तो ऐसा बहुत सारे लोगों की ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, अंदर की बात पहले समझना चाहिए कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। यहीं से एक पार्ट आता है, हर पॉइंट पे जितना पॉइंट आप देख पा रहे हो कि यहीं से यहीं और यहीं, ये तीनों पार्ट पे क्या होता है कि तीनों पार्ट ज़्यादातर यहीं पे ऊंची देखने को मिलता है। ये मसल्स नहीं, ये मसल पार्ट होगा तो तब क्या होता है कि यहीं पे कभी कभी डाउन भी हो सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये सॉलिड पार्ट है, तो इसीलिए कभी भी जब ऐसे कर रहे हो तो तब भी ऐसा नहीं होगा, और ऐसा छोड़ रहे तो तब भी ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी टाइम आप ऐसा कर रहे हो तो हर टाइम आपको यहीं पे ऊंची या हल्का सा फील होगा, जैसे आप देखने को मिल रहा है अभी, देख रहे हैं ना कैसा दिख रहा है यहीं पे, इस साइड पे, इस साइड पे, तो वो छोड़ दो। ये उंगली आप देख सकते हैं, ये उंगली पे आ जाओ, ये उंगली पे सेम 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 फॉर्म आ रहा है, देखो यहीं पे भी, यहीं पे भी, यहीं पे भी सेम आ रहा है। तो पहले बेसिक जो पार्ट है कि ये उंगली के बहुत मतलब जो जो पॉइंट है वहीं पे ऊंचिया नज़र में आएगा, और मसल पार्ट वो मतलब लोगों की पूरी बॉडी कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर सॉरी मतलब कि फैट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि
कौन सा जगह मतलब ये उंगली के ऊपर आपकी फैट रहना चाहिए कि नहीं? कोई भी ऐसा बंदा आपको देखने को मिलेगा, देखते हैं, देखो यहीं पे इन इन लोगों का मतलब ये लोगों की क्या देखने को मिल रहा है कि ये हल्का सा फैटी टाइप लोग मतलब आदमी है, तो इसीलिए क्या है ना कि ये मसल्स पार्ट इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस जगह आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मसल कैसे रहते हैं ये मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा, पहले ये मैं समझा देता हूँ कि ये ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, तो आप कभी भी अप्लाई कर रहे हो किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और कौन सा कट सा पार्ट की पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये पहला नंबर वन, आपको एज पॉइंट पॉइंट पे ज़्यादातर उंगली की जो पार्ट है वहीं सॉलिड पार्ट है, तो इसीलिए वहीं पे ज़्यादातर ऊंची टाइप देखने को मिलते हैं। और दूसरी पार्ट है फैट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये उंगली के आसपास एरिया कितना मोटा होगा, मतलब कितना वॉल्यूम रहेगा, कितना नहीं रहेगा, उसके दो कारण मैं बता दिया। और तीसरी बात है ये जो हाथों की जो पार्ट है, ये जो चारों उंगलियां है, ये चारों उंगलियां सेम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है किस तरफ देख रहा है, देखो ए उंगली से ए उंगली जब जा रहा है कि इस तरफ लाइन दिखने को मिल रहा है, और यहीं से यहीं जब जा रहा है तो इस तरफ लाइन दिख रहा है, और यहीं से यहीं ये दोनों आसपास ही है दिखने में, देख सकते हैं, लेकिन ये आसपास नहीं है। आप सीधा करके रखोगे तो ये ज़्यादातर बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, और एकदम सा छोटा ये है। तो लाइनिंग आपको हर टाइम आपको ये सेम नज़र में रहना चाहिए, मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि ये लाइन ऐसा होगा और ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपको ये ऐसा लाइन दिखाना होगा, ऐसा और ऐसा और ऐसा, ऐसा नहीं देने से भी चलेगा, शॉर्टकट पे ऐसा देने में चलेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ये पार्ट आप देख सकते हैं कि ये जो उंगलियां है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है हर बंदा की, मतलब 95% आदमी की उंगलियां पे ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ये क्रॉस नहीं करते हैं, इसके अंदर से सो जाता है, बहुत लोगों की अच्छे से आप रखोगे तो यहीं से पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों की ऊपर थोड़ा जाता है, कुछ लोगों की थोड़ा नीच में भी होता है, तो ऐसा इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो चला गया ऊपर की पार्ट और साइड की पार्ट कैसा कैसा सेप, मैं पहले सेप को बता रहा हूँ कि किस तरह से सेप का क्या कैसे देखना चाहिए, उसी के हिसाब से जैसे यहीं पर आपको पॉइंट देखा सेम पॉइंट यहीं पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं पर ज़्यादा यहीं पर थोड़ा सा कम, देख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर ये थोड़ा बड़ा था, वैसा ये पार्ट भी थोड़ा सा छोटा था इसके अकॉर्डिंग से, देख सकते हैं, ठीक है, और एकदम से ये डाउन। और एक पॉइंट पर और एक बात आते हैं कि यहीं पे ये जो लाइन है, बस बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन है और यहीं पे रुक गया, ऐसा नहीं है, देखो एक सॉलिड लाइन भी यहीं पर भी आते हैं, यहीं पर आते हैं, इस साइड पर भी जाता है, ऐसे ऐसे, तो ऐसा बात है, सबको थोड़ा सा नॉलेज मिल गया। चलो अभी ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। और इसका अंदर की, अच्छा और एक बात है, इसका अंदर की जो मसाला है वो भी समझना चाहिए सबको, देखो इसका जो मसल्स ट्यूब और एंड्रमिक पार्ट है क्या हो रहा है यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट की दोनों साइड पर देखो मसल्स है, ऊपर की तरफ ये जो उंगलियां जो मूव्ड होता है, इसका मूविंग जो एक नार्व होता है, तो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, तो वो उसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। और दोनों साइड पे क्या हो रहा है, दोनों साइड पे आपको मसल्स देखने को मिला है, दोनों साइड पे, और दोनों साइड की मसल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मतलब फैट के ऊपर या कोई भी मसल्स, ये इतना ज़्यादा पावरफुल मसल्स नहीं है, लेकिन वो ऐसे पकड़ने के लिए मतलब जितना इम्पोर्टेंट रहना चाहिए उतना ही है उसके अंदर, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और इसका जो पॉइंट
आप सब देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है दिक्कत है थोड़ा सा डिटेल पे जाने के बाद। चलो ये जो पॉइंट आ रहा है पूरी की पूरी पॉइंट में एक उंगली को ड्रॉ करके मैं पहले दिखाता हूं। ये जो पॉइंट है ऐसे हर पॉइंट ऐसे आ रहा है ठीक है ऐसे। इसके अंदर और एक है जो कि यहीं से और एक कनेक्ट हो रहा है ऐसे। हम बहुत सारे लोगों की मतलब हम सब जानते हैं बहुत लोगों की मतलब अभी तक पता नहीं कि किस तरीके से ये चीज़ कनेक्शन जो है बहुत सारे लोगों की पता नहीं है ठीक है। तो इसीलिए और एक बार मैं समझा देता हूँ सबको। बहुत सारी YouTube वीडियोस बहुत सारी ऐसा बहुत सारी आप सब ने देखा होगा बहुत सारी नॉलेज बहुत लोगों ने शेयर करते रहते हैं लेकिन उन लोगों ने अंदर की बात बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। और ये अंदर की बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपकी मतलब समझना चाहिए नहीं तो पूरी की पूरी बिल्कुल ही गलतियाँ करते रहोगे कभी भी आप सुधारोगे नहीं। मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि जितना हो सके फ्लोली ड्राइंग करो लाइन स्किल बढ़ जाएगा ये हो जाएगा। अरे आपकी आप गलतियां कर रहे हो तो गलतियां ज़्यादा करोगे तो क्या होगा। एक टाइम आएगा आपको समझना होगा उस टाइम आप सोचोगे कि पहले जानना चाहिए था मतलब कैसे कैसे करना चाहिए था मतलब वो समझना चाहिए था उसके बाद ट्राई करने में और भी ज़्यादा अच्छा होता मतलब ऐसा लगेगा तो तब क्या होगा कि काफ़ी लेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके समझने की कोशिश करो जितना हो सके एनाटॉमी मतलब क्या है ना कि बहुत सारी अभी तो इंटरनेटिंग टाइम चल रहा है ठीक है ज़माना है तो कोई भी टाइम आपकी फ्री मिल रहा है तो पिंटरेस्ट पे देखो कोई भी इंटरनेट पे आप घुमा करके 3D ऐसा बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप मूव करके भी बहुत सारी ऐसा पार्ट को आप देख सकते हैं जो कि क्या होना कि नॉलेज लेना चाहिए पहले दिमाग के अंदर कि क्या पार्ट कौन सा पार्ट कैसे कैसे है वो पहले मैं समझ जाऊँ और उसके बाद कोई भी ड्राइंग मैं ड्रॉ करूँ तो वहीं पे क्या होगा कि काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपके। सबको मैं यही बता रहा हूँ कि काफ़ी मतलब बहुत ही हेल्प मिल जाएगा और देखोगे कि अभी का जो ड्राइंग है आपका इतना मतलब नॉर्मल सा जो ड्राइंग कर लेते हैं आप सब तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तो कोशिश करूँगा ये पूरी की एक कोर्स की तरह हो जाए मतलब ये स्टडी क्लास के अंदर ये फिगरेटिव जैसा चल रहा है ये चलते रहेगा और ये कंप्लीट हो जाने के बाद पूरी की पूरी सबकी क्लियर हो जाएगा और आप सबकी भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए कि आपकी ड्राइंग अच्छा करने के लिए आपको खुद को थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जैसे कि आपकी मतलब इंटरनेट से आपको खुद को मतलब एक्सपेरिमेंट करना होगा समझना होगा ठीक है बहुत सारी ऐसा है और ड्रॉ करना होगा लाइव ड्रॉ करना होगा। और जब आप लाइव ड्रॉ कर रहे हो या कोई भी फोटोग्राफ से आप कोई भी कुछ भी बना रहे हो तो उस टाइम आपको क्या करना होगा सिंपल सा आपको ये जो आज आपके सिर पे मतलब इतने सारी मैं बता रहा था इतना टाइम समझा रहा था ये सब वो आपको ढूंढना होगा कि कहाँ कौन सा मसल्स कैसे कैसे है वो मुझे जानना होगा जो मैं अभी दिखाया वो बिल्कुल सच में है या नहीं ये आपको समझना होगा। बस ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि अच्छा वो मसल्स तो ऐसा है आपको हैप्पी मतलब खुशी मिलेगा ठीक है धीरे धीरे ऐसा खुशी भी मिल जाएगा लेकिन आपको धीरे धीरे करना होगा नहीं तो ये आप समझ लिया ठीक है मैं कर लूँगा वो कल कर लूँगा ऐसा आप सोचोगे तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ोगे बस वहीं पे रह जाओगे। ये नॉलेज आपको दिमाग में आ रहा है तो वो आप बार बार करके आप रिवाइज करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं नहीं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ।
ठीक है, टैब की भी चार्ज खत्म हो गया, फुल चार्ज नहीं थे, हार्ड डे मतलब पूरी डे क्लास हो रहा था तो इसीलिए। चलो अभी ये जो पार्ट है यहीं पे भी सेम है कि चीज़ है, और यहीं पे क्या होता है कि ए देखो ये जो पार्ट है ऐसे, मतलब नेल के अंदर ऐसा कुछ पार्ट है अंदर, ठीक है, और ये पूरी की पूरी नेल दिखाया है यहीं पे, नेल दिखाने की बात ही नहीं ना, इस टाइप का कुछ समझो, इसके अंदर ऐसे कुछ है, ऐसे टाइप का, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्लियर ना सब? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है सर? हाँ 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 बताओ सर, जैसे अभी आप ये वाला दिखा रहे हो, हाँ हाँ, इसमें तो अंदर का वो बोन दिखा रहे हो ना, ये वाला और ऊपर हाँ, मसल से ये वाला, हाँ, जो हाँ, फोटो में, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग क्या बोन्स लेकर भी अलग से प्रैक्टिस करेंगे फिर मसल्स लेके? नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, ये अच्छी क्वेश्चन था। तो ये बात आप कभी भी आप नोट कर रहे हो, मतलब आप खुद के साथ खुद क्वेश्चंस कर रहे हो कि मुझे ये समझना चाहिए, कभी भी एक टाइम आप कुछ नोटेड करके लिख रहे हैं कि यहीं यहीं पार्ट ऐसे ऐसे रहते हैं, इस पार्ट को मुझे समझना चाहिए, कहाँ से निकल के मैं ऐसा देखूँ, नोट करूँ, तो इसीलिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, हर टाइम आपको ड्रॉ करना होगा और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, दिमाग में ऐसा चढ़ जाना चाहिए, कभी भी आपकी टाइम आ रहा है कि ब्रेक लगाने की टाइम आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाने स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि एक हैबिट हो जाना चाहिए कि ये ऐसे अंदर का पार्ट ऐसा है, कभी भी ड्रॉ कर रहे तो दिमाग के अंदर ये पार्ट ऐसा रहना चाहिए कि ये पार्ट ऐसा है, मुझे ऐसे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, तो हर टाइम ये लेकर के आपको प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है, बस आप समझो और कुछ भी जगह आप नोट करके रख रहे हैं तो वहीं पे वो छोटा सा आप ड्रॉ करके रख सकते हैं, कभी भी वो इसको भी स्टडी कर सकते हैं आप, मतलब कोई भी फोटोग्राफ्स या कोई भी एनिमेटर कोई भी फोटोग्राफ्स है तो आप समझने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो पार्ट आ रहा है कि मसल पार्ट, इसके ऊपर कैसे कैसे मसल दिखने को मिलता है, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है, यहीं से ऊपर से दोनों तरफ ऐसे, ये जो पार्ट मतलब ये जो पॉइंट के आसपास है ऐसे करके कुछ मसल्स आ जाता है, और इसके पास उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, और इसका पास ऐसे गॉड, और इस पॉइंट के आसपास ऐसे मसल्स, और यहीं से नेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हल्का सा समझ में आ रहा है तो अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है ना कि यहीं पे ऐसा सोचो ये जो लाइन है ऐसा देखो कि ये ऊपर तरफ जा रहा है और भीतर अंदर से एक और एक लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इस साइड से देखो, इस साइड से ये लाइन ऐसा आ रहा है, ये लाइन ऐसा आ रहा है, और ये मसल्स देखो ज़्यादातर मतलब चेहरा नहीं, बस हल्की सी एक फ्लैटी टाइप एक लाइनिंग जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो क्या है ना कि ये लाइन तो ऐसे आ रहा है, बहुत सारी ऐसा वीडियोस, बहुत सारी ऐसा लेकर के बहुत सारी मतलब जो लोगों की पता नहीं है, मतलब जो लोग समझते नहीं है, खुद का ड्राइंग ही अच्छा नहीं है तो वो लोग मतलब ज्ञान बांटते रहते हैं, तो उन लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे, बहुत सारे ऐसे पड़ जाते हैं, बहुत सारे मेरा स्टूडेंट है, मतलब उन लोगों को मतलब पता है कि वो अच्छे और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मतलब ऐसा ऐसा लोगों की खप्पड़ में पड़ गया और उनका नॉलेज ऐसा मतलब ले रहा है, और क्या हो रहा है ना कि वो खुद का जो ड्राइंग जो अच्छा है वो कर सकते हैं वो बिगड़ना स्टार्ट किया। आप पहले अच्छे से जान लो कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, अंदर की नॉलेज लो, उसके बाद आप देखो कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, लेकिन वो
खुद ने क्या कर रहे हैं गलती है, पता बहुत सारी ऐसे तो वीडियो देने वाला बहुत सारे लोग हैं वो दे रहा है इंटरनेट इंटरनेट पे ऐसे चल रहा है बहुत, ठीक है। और ऐसे गलतियां मत करो, कोशिश करो अच्छे से मतलब समझने की, खुद समझो। सॉरी हाँ, खुद समझने की कोशिश करो और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। गॉड, रुको जस्ट वन मिनट। क्या है ना कि सबको मैं कह रहा हूँ कि खुद समझने की कोशिश करो, खुद समझने की मतलब कि यह है कि आप सबने आपने आपने मतलब ढूंढ, मतलब अभी तो इंटरनेट की ज़माना है जैसे मैं पहले बता रहा था, ऐसे आप इंटरनेट पे सर्च करो, देखो क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ रहते हैं, उसके बाद आप खुद ड्रॉ स्टार्ट करो और ऑटोमेटिकली आप देखो कि कैसा आपकी नॉलेज ग्रो हो रहा है कि नहीं, बस पूरी की पूरी समझ जाओगे, कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं आएगा। बताइए कृष्ण जी, हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये कौन सा मतलब इंटरनेट में जो है वो सही है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब नहीं ऐसा नहीं है। मैं जैसा बता रहा कि आपको पहले ये एनाटॉमी पार्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए, एकदम से क्लियर हो जाए। क्लियर कैसे होगा? तो वो एक ही तरीका है, आज इंटरनेट की जमाना है, बहुत सारी ऐसा इमेजेस मिल जाएगा, अलग अलग पार्ट डिवाइडेड कहाँ कहाँ कैसे कैसे है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और देखने के बाद आप लाइव के साथ साथ मतलब लाइव कोई भी हैंड या हाथ पैर कुछ भी आप देख रहे हो तो उसके साथ आप रिलेट करो। ओके, जो आपने देख रहे हो वो देखने के साथ साथ आप लाइव के साथ साथ कनेक्ट करो कि हाँ ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, मतलब आप खुद बार बार जजमेंट करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा वो अच्छा है, ये तो ऐसा देखना चाहिए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली किसी का ज्ञान, बहुत सारे ऐसा ज्ञान बांटने वाला बहुत सारी इंटरनेट पे है, लेकिन उसका खप्पड़ में पड़ जाओगे तो क्या होगा कि आपको गलत ट्रैक पे आप चला जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा। क्या होता है कि वो लोग ऐसे इंफॉर्मेशन डालते हैं कि वो सारे ड्रॉ करो फोटोग्राफ्स देख के, फोटोग्राफ्स देख करके क्या होता है कि आपको ऊपर ऊपर पता चलता है और अंदर अच्छा। की बात आपको पता नहीं चलेगा तो आप बाहर की ड्राइंग अच्छा खासा कैसे कर पाओगे, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसीलिए हर टाइम मतलब पहले समझने की कोशिश करो, बस उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा बस, और क्या। और अच्छा पेंटिंग देखो, अच्छा नॉलेज लो, देखो कि ऑटोमेटिकली खुद के पास धीरे 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 ऑटोमेटिकली अच्छा कुछ आने स्टार्ट करेगा, बस ऐसे ही, ठीक है। चलो ये पार्ट सब ऐसे कर दिया मैंने, यहीं से नेल की पार्ट में कर दिया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। और यहीं से क्या होता है कि ये पॉइंट के लिए बहुत सारी ऐसे मसल्स की लाइनिंग्स ऐसे आ जाता है, बहुत सारी ऐसे भी देखने को मिल जाता है कुछ टाइम, मतलब एक पॉइंट की ऊपर मसल्स ऐसे कनेक्ट होकर के,
बात समझ में आ रहा है कि कैसा रहता है ये एनाटॉमी, ये जो पार्ट है, समझ में आ रहा है ना सबको, जो उंगली के अंदर पूरी की पूरी पार्ट कैसा रहता है, एक पार्ट सबको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके चलो अभी देखते हैं कि पूरी एक हाथ के अंदर, देखो ये जो पार्ट है हम दिखाते हैं। पहले तो समझ गया सब ने कि कैसे कैसे उंगलियां में दिखाया था कि कैसा सेप दिखना चाहिए सबको, है ना। ये पार्ट ऐसा है, ये पार्ट ऐसा है, दिखाया था ना कि किस तरह, मतलब एक हाथों की पहले हल्की सी कैसे ड्रॉ कर लेना चाहिए, मैं दिखाया था ना ऐसा करके, ऐसा करके कुछ दिखाया था पहले। तो ये बात है ऐसा, ठीक है। तो ये इस ऐसे आप हल्का सा पहले ड्रॉ कर सकते हैं, सेब को बना सकते हैं ऐसे करके, ऐसे सेम चीज ये जब मूव्ड हो रहा है तो ऐसे तो मैं बना लिया, समझ गया, लेकिन ऐसे 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 कुछ भी आप बना रहा है तो उस टाइम कैसे दिखना चाहिए, ठीक है, वो पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये जो पार्ट जो बताया था, जो इस पार्ट से ऐसे, ठीक है, यहीं से भी सेम चीज, सेम चीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ ड्रॉ करने के टाइम सेम उंगलियां की जो कैरेक्टर है, जस्ट कुछ जगह पर्सपेक्टिव के लिए कुछ जगह चेंज हो गया, चेंजेस लग रहा है देखने में, और कुछ जगह सेम है उंगलियां, देखने में पता चलेगा पर्सपेक्टिव पे है तो क्या है, मतलब पूरी की पूरी पता चलेगा कि कैसा दिखाना चाहिए। चलो देखते हैं। गॉड पहले सेब को बनाओ जैसे मैं बताया था, और वो जो पार्ट पहली जो पहले की जो फंडा है वो सबको समाज में आ गया शायद। সুধীর একটু ধ্যান দিয়ে দেখো, কেন কি তোমাদের এই ড্রয়িংগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রথমে শেপগুলোকে বানানোর ব্যাপার থাকে, তারপরে আস্তে আস্তে তোমাকে ফাইনালি কিভাবে তুমি যাবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো এই যে শেপগুলোকে তুমি হালকা করে তুমি বুঝে নাও, বুঝে নেওয়ার পরে তুমি জাস্ট পয়েন্টগুলোকে চলে আসো, পয়েন্টগুলো তোমার কোথায় কোথায় অবস্থিত আছে সেটাকে তোমায় দেখতে হবে। এটাকে জাস্ট এইভাবে আছে, 5% হয়ে গেছে, এখানে তোমার পয়েন্ট আছে, এখানে পয়েন্ট আছে, হ্যাঁ না। দাঁড়াও চার্জ দি, না হলে এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে, জাস্ট বন্ধ। तो पहले क्या करना होगा कि ये पॉइंट को आपको समझना होगा, कहाँ कौन सा पॉइंट है तो समझ लेना होगा, उसके बाद दमादम कंप्लीट हो जाएगा। देखो
और यहीं से सब पॉइंट ऐसा ऐसा है, ये थोड़ा सा फैटी टाइप का है इसका बॉडी, तो इसीलिए क्या होगा कि इसका जो यहीं का जो पॉइंट है इतना ज़्यादातर मतलब मजबूती दिखने को नहीं मिलेगा, जस्ट फैटी फैटी ऊपर ऊपर पर जो लाइन है आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी क्या करना होगा, अभी इसका ये जो मसल्स यहीं पे ऐसा देखने को मिल जाएगा, पूरी पहले हल्का सा लाइन दे करके आप कवर कर लो, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लाइनिंग पे लाइनिंग के ऊपर आप आ जाओ। जैसे मैं बताया था कि इस पॉइंट से जो एक एक उंगलियां आता है, ये उंगली की ये जो पार्ट है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट को आपको समझना होगा, नेलों की पास मतलब बहुत सारी लोगों की मतलब बहुत सारी टाइप की नेल होता है, नेलों को अलग टाइप लेकर के मैं समझाऊंगा बाद में। बहुत सारी नेल अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि इसका ओवर है मतलब नेल के ऊपर भी फैट है, बहुत सारे लोगों की नेल की ऊपर फैट नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाता है। तो चलो बाद में ये लेकर के डिस्कस करूँगा। तो इसका जो बीच बीच में जो पार्ट है ना, ये अंदर की पार्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखाने से चलेगा, लेकिन खुद को समझने के लिए आप हल्का सा ड्रॉ कर सकते हैं, हल्का सा शेडिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो खुद के लिए ड्रॉ करने के टाइम। ठीक है, ऐसा मैं अलग अलग कर लिया जो मसल्स है। ये तो हो गया, लेकिन इसका जो इस साइड का जो फैट की टाइप मतलब इस साइड से जो मसल्स जो पार्ट में आर्वर कर रहे, तो ये क्या हो रहा है कि यहीं से कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। ऐसे देखो कि हल्का कर्व कर्व लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या हो गया उसके बाद सॉरी मतलब दोनों उंगलियां जो है ना, और दोनों उंगलियां को आपको समझना होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए, फटाफट ड्रॉ कर लिया है एक उंगलियां, और दोनों मतलब उसके बाद जो उंगलियां है उसको आप नहीं समझ के आप ड्रॉ कर लिए तो गलतियां हो सकते हैं। ठीक है, उसका प्लेसमेंट भी आपको समझना होगा कि उसका पास जो उंगलियाँ है उसका प्लेसमेंट कहाँ है, और किस तरह देखने मतलब देखने को मिल रहा है कि इस साइड का जो लाइनिंग है, उसके बाद एक फिनिश करना होगा। ठीक है,
अभी ये पर्सपेक्टिव्स के लिए क्या हो गया कि ऐसा देखने को इस उंगलिया से भी ज्यादा ये उंगलिया इसीलिए देखने को मिल रहा है, मतलब हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा इसीलिए लग रहा है कि पर्सपेक्टिव के लिए ज्यादा से ज्यादा डाउन तरफ जा रहा है तो इसीलिए। हर एक लाइनिंग को आप स्टडी कर सकते हैं समझने के लिए, मतलब ये बेसिक पार्ट आप पहले समझ जाओ और उसके बाद देन धीरे 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 आप डिटेल में, हाई डिटेल में आप स्टडी करते 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 और भी ज्ञान स्टोर करने कोशिश करो। जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप मतलब समझोगे उतना ही आपको कमी लगेगा, जितना ऊपर तक आप जाओगे लगेगा कि आपका खुद का ड्राइंग काम हो गया। मतलब हम सब इतने साल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेशन पे बहुत सारे ऐसा लगा तो बहुत मच्छर काट रहा है तो भी ड्राइंग करते करते इतना मज़ा आ जाता है, इतना आनंद आ जाता है ना, क्या होता है कि वो सब भूल जाता है कि मच्छर काट रहा है, ठीक है। ऐसा हुआ तो रात 2-2:30 बजे तक मैं ड्रॉ कर रहा था स्टेशन पे, ऐसा हुआ। उसके बाद देखा कि मतलब स्टेशन पे धीरे 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 आदमियाँ सब कम रहा है और जो लोग मतलब जो होता है ना कि बहुत सारे स्टेशन पे रहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, उन लोगों ने सब मतलब कुछ कपड़ा वपड़ा लेकर के वो सब एकदम टिप टप करके वो सो गया क्योंकि मच्छर काट रहे हैं उन लोगों को भी, ठीक है। और हम लोगों की मॉडल की भी कमी हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत सारी ऐसा रातों काटा कि बहुत सारी स्टडी किया, उसके बाद भी ऐसा लगता है, हर टाइम ऐसा लगता है ड्राइंग करने की अभी भी भूखा है। जब मुझे टाइम मिलता है कि चलो भाई अभी ड्राइंग करने की मूड है, चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, कभी भी मॉडल नहीं मिल रहा है तो क्या है, खुद तो है, और एक मिरर लगा लो खुद का रूम के अंदर या कोई भी स्टडी रूम के अंदर और वहीं पर चलो खुद का ड्रॉ करना स्टार्ट करो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ है कि सबको समझना चाहिए कि ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आप सबको शायद पता चल रहा है और भी आगे जा कर के और भी पता चलेगा कि कितना ज़रूरत है ये ड्राइंग। और जो लोग फिगरेटिव वर्क करते हैं उसका कितना प्रॉब्लम आता है तो सब समझते हैं सबने। स्मृति, स्मृति আছো? হ্যাঁ বলো। কি বলছো? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। अभी इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है अभी ये समझने के बाद क्या लग रहा है आपको? আমার অনেক সর লাগছে। আমি তো অনেক ভুল করি, আমি একদম একদম।
तो और किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो पूछो, चलो स्टार्ट करो। दीपक, दीपक, हेलो दीपक, और भी फास्ट ड्रॉ करने के टाइम क्या क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। दीपक आछो, दीपक तो जैसे कि हाथ की जो मूवमेंट है उसको पहले ड्रॉ करना होगा, जैसे स्मृति समझने की कोशिश करो कि कैसा इजीली कैसे, मतलब एकदम सा रैपिड टाइप जो आपके फास्ट, एकदम से फास्ट आपको ड्रॉ करना होगा और जल्दी से जल्दी आपको पता है कि मूव्ड होने वाला, बस ऐसे फटाफट फटाफट, ठीक है, ऐसे मतलब आप समझने की कोशिश करो और ऐसे ऐसे करके, हाँ ये हो गया ऑलरेडी, तीनों पार्ट पॉइंट को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हो गया फटाफट फटाफट करके, ऐसे हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी क्या करना होगा कि अभी मसल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जैसे अभी आप रैपिड में एकदम फटाफट वो जो स्ट्रक्चर बनाए थे, वो जो मतलब आंगुले जो फोल्ड, मतलब की बोल वो फोल्ड गुलो जेटा अच्छे, वो अंगली का फोल्ड रैपिड में कैसे समझ में आएगा, ऊपर का मतलब अंगली बनाना है वो समझ आ रहा है, वो फोल्ड कैसे हो रहा है, कितना बेंड हो रहा है अंगली, तो वो चीज। हाँ वो क्या होता है कि वो क्या है ना कि वो ज्यादातर आप मतलब पहले धीरे धीरे आप स्टडी करने के बाद ये आते हैं, ठीक है। हाँ। मतलब आप पहले से फास्ट करोगे तो आप मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए कुछ टाइम ऐसे आपको मतलब बाद में आप ऐसे रैपिड टेक किया कुछ भी ऐसे मतलब फटाफट फटाफट मतलब कुछ चेंजेस हो गया तो क्या मतलब फिर भी आप ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो अभी आपका पॉइंट का जो बात है कि वो आपको सब समझ मतलब दिमाग के अंदर है, तो आप फटाफट से आप ऐसे करके आप ड्राइंग को फाइनल कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ कहाँ आपकी पॉइंट है और कहाँ कहाँ ऐसे करने से मतलब आप डायरेक्ट पेन से भी आप कर पाओगे, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा। मैं तो बहुत सारे आप सबको पेन का भी ड्राइंग दिखाया, मैं बहुत सारे स्टेशन की मतलब ट्रेन जर्नी करते करते बहुत सारे ऐसे ड्राइंग किया है जो कि मॉडल ट्रेन लोकल मतलब ट्रेन के अंदर बहुत सारी जो लोग आते जाते हैं वही लोग मेरा मॉडल है, और उन लोगों की बहुत सारी ऐसे ड्रॉ किया जो कि डायरेक्ट पेन से ऐसे हो जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंट एक आ जाता है कि चलो आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिल रहा है ट्रेन, हिल रहा है ऐसे 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 हर टाइम, तो भी आप कर पाओगे क्योंकि आपका जब सेंस मतलब एक ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा ना, उसके बाद कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बस आप मूवमेंट को ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद आपको जो मतलब दिमाग के अंदर है वो क्या करोगे, उसको आप धीरे 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 डिटेल कर सकते हैं। आपके पास मतलब मॉडल मूव नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे डिटेल्स कर सकते हैं, नहीं तो आप मतलब खुद का जो दिमाग है, दिमाग को इस्तेमाल करके उसको अच्छा खासा एक ये दे सकते हैं आप खुद ही ने, ठीक है। अभी क्या है ना कि ये जो पॉइंट है ये तो पहले ड्रॉ कर लिया, तो अभी क्या है कुछ जगह के ऊपर कहाँ कहाँ कैसे दिखाना चाहिए वो आप खुद समझो और देखो कि अभी आपको मॉडल है कि नहीं, उसके बाद कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट है, किस तरफ दिख रहा है, और भी डिटेल पे आप जा सकते हैं। लेकिन बेसिक जो पार्ट है पहले आपको फटाफट बनाना होगा, चेंज हो गया तो ड्राइंग तो हो गया, उसके बाद आपको पता है कहाँ क्या क्या रहता है, चलो बना लो, ऐसे ही होता है। फोटो क्लिक के हिसाब से तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कैसे एक इजी एक मूवमेंट को कैसे पकड़ते हैं लोगों ने, वो ऐसे ही पकड़ते हैं। आपको पता है आज मतलब जब फोटो मतलब कैमरा मतलब अभी मतलब उस जमाने में नहीं आ रहा था, तो उस टाइम इतना अच्छा खासा मूवमेंट वाला ड्राइंग पेंटिंग इतना सारा कैसे हो गया, और क्या करता कि हार्ड टाइम ना रैपिड हार्ड टाइम हो मतलब स्केच करते रहते थे उस टाइम उन लोगों ने, तो वो उस हेल्प करते हैं कि कैसे मूव कहते कैसे करते और कैसे कैसे करना चाहिए। वो पहले स्टडी तो कर लिया और फटाफट ऐसे स्केचेस बनाते रहते थे, इसीलिए बनाते रहते थे कि उनको बाद में वो काम पे आएगा, वो उस टाइम कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है, लेकिन वो सब बाद में पता चलेगा कि चीज क्या है। स्मृति তাহলে কাল থেকে লেগে পড়ো, মানে ড্রয়িংটা হচ্ছে নিজের জন্য, এটা কাউকে দেখানোর জন্য নয় বা সোশ্যাল পাবলিক প্লেসের জন্য মানে পাবলিকদের জন্য নয়, এটা নিজের খিদে, মানে এটা তুমি যত বেশি করবে এটা তুমি নিজের জ্ঞান অভিজ্ঞতা তুমি বাড়াবে এটা ভাববে, মতলব এটা খুদকে লিয়ে এ খুদকে লিয়ে খুদ কা জ্ঞান কে লিয়ে या बनाओ, हर टाइम ऐसे बनाते रहो ऑटोमेटिकली। और जो लोग मतलब समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ आपको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे इजी रैपिड स्केच करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन आपको अंदर की जो फंडा है वो पहले बेसिक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, उसके बाद ये सब आता है। बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि लेकर के आज मैं डिस्कस नहीं किया, वो बाद में मैं करूंगा, ठीक है। सीरियस हो जाओ, सब काम अच्छे से बस ट्राई करो कोशिश करो वो सब हो जाएगा। ये रैपिड हो गया, उसके बाद क्या है ना जो बताया था कि कैसे कहाँ कहाँ पॉइंट है वो ढूंढो, कैसे कैसे दिखाना चाहिए वो समझने की कोशिश करो, खुद जांच करो कहाँ कहाँ अप डाउन हो सकता है, उसके बाद पॉइंट पे आओ ट्राई करो। ये ऑफ कर देने के बाद भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि सोचो कि ये मॉडल चला गया तो भी ऐसा आप बना सकते हैं। সামনে স্টাডি ক্লাসে আমরা ফুল বডিতে আমরা যাব না, তার আগে আরো একটা দুটো ক্লাস করে তারপরে ফুল বডিতে যাব, নাকি হ্যাঁ
মানে এটা অনেক বড় একটা লম্বা আর কি প্রসেস, ফুল বডিতে হঠাৎ করে গিয়ে প্রবলেম হতে পারে, তো তার আগে এগুলোকে একটু বুঝে নাও, জাস্ট আউড়ে নাও। সুধীর সরকার, রণয় পাল, মানে হাতের জায়গাগুলো ক্লিয়ার তো? মানে কিছু কিছু বহুত হি ইম্পর্টেন্ট থা ইয়ে ক্লাস মে মতলব কব সে মে কোশিশ করা থা কি চলো কর লুঙ্গা দেখি নাই হো রা থা, তো আজ ফাইনালি হো গিয়া। और बाद में ऐसे चलते रहेगा बहुत सारे ऐसे क्लासेस। ये बात है, तो बात था ये। और कुछ पूछना है मतलब आज, और कुछ स्टडी करना चाहिए कि नहीं ये आप सब कह सकते हैं, तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो यहीं पे रुक दूंगा, क्योंकि आप सबके भी इतना तक समझना होगा, खुद के साथ ये फाइट करना होगा, खुद के लिए बहुत सारी ऐसा ड्रॉ करना होगा, आपको भी लाइव करना होगा कभी, मतलब হাত আর পোর্ট্রেটের মাসলস গুলো, শোল্ডার গুলো, এগুলো নিয়ে একটু, যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, হ্যাঁ এরকম জাতীয় কিছু ড্রয়িং করো এই উইকে। আর কারোর যদি অনেক টাইম দিয়ে মোবাইল বা ট্যাব বা কোনো ডিসপ্লে দেখতে অসুবিধে হয়, তারা কি করবে, নর্মাল সা এরকম পিন্ট আউট করে নেবে, কোনো বি পোর্ট্রেট টাইপ, কোনো মাসলস ইয়া কোনো বি বডি পার্ট, এগুলো আমরা বাচ্চাদেরকে দিই যাতে করে সুন্দর করে ওরা ড্রয়িং করতে পারে, মতলব কি ওরা তো ডিসপ্লে পায় না, আর দ্বিতীয়ত ওদের ওই মাসলসগুলো অ্যানাটমিগুলো আলাগ আলাগ করে, তারপর ফুল পোর্ট্রেটগুলো তারা ওই রকমভাবে করে, তাহলে কি হয় তোমার চোখেরও ডিস্টার্ব তো হবেই না, বরং আরাম করে করতে পারবে। এরকম যদি তোমাদের ডিস্টার্ব মনে হয় কখনো, দেন কন্টিনিউ। তাহলে এই পর্যন্তই থাক, আর বাড়াচ্ছি না, ঠিক আছে।